नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। 5 फरवरी 2024 को सेनापति मंगल का महापरिवर्तन होने वाला है, तो इसका इन दोनों राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 5 फरवरी 2024 की रात्रि में 9:04 पर मंगल धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 14 मार्च 2024 तक मंगल मकर राशि में मौजूद रहने वाले हैं। इन 42 दिनों की समयावधि में मंगल अपनी उच्च राशि में विराजित हैं, यानी मकर राशि मंगल की उच्च राशि मानी जाती है। यहां पर मंगल बलवान अवस्था में विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। तो समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और कहां पर आपको इस समय अंतराल में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी, यही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सेनापति मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है और इनको युद्ध का देवता भी कहा जाता है। मंगल एक राशि में 42 दिनों तक गोचर करते हैं और ये मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। अगर मंगल जन्म कुंडली पर बलवान होते हैं, सकारात्मक होते हैं, कुंडली के तीसरे भाव, छठवें भाव, दसम भाव और एकादश भाव पर अगर ये प्रभावी होकर बलवान हो तो जीवन के हर क्षेत्रों में सकारात्मकता आसानी से मंगल के प्रभाव से ही मिलती है। बलि मंगल का प्रभाव ना झुकने की शक्ति देता है, हर प्रकार के संघर्ष, विपरीत परिस्थिति और चुनौतियों से डटे रहने की क्षमता प्रदान करता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आसानी से जूझकर बाहर निकल सकता है। बलि मंगल के ही प्रभाव से मन में उल्लास, प्रसन्नता और शरीर में युवापन दिखाई देता है। मंगल प्रभावी होते हैं खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में आसानी से सफलता मिलती है। वहीं कमजोर मंगल का प्रभाव जीवन में साहस की कमी प्रदान करता है, जीवनी शक्ति को शरीर में कम करता है। मंगल अगर पीड़ित होते हैं, चोट चपेट, दुर्घटना की संभावना जीवन में बनी रहती है, शत्रुओं से भी पराजय का सामना करना पड़ता है। वहीं शरीर में बीपी, अल्सर, रक्तचाप, फोड़े फुंसी की समस्या, त्वचा जनित बीमारियां भी होने लगती है। इसको मंगल जनित उपाय करके ठीक भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके सुख भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और वर्तमान में मंगल 5 फरवरी को आपके कर्ज और रोग स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, यानी सिक्स हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के छठवें भाव पर मंगल को सबसे बेहतर रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल इस समयावधि में शारीरिक क्षमता में वृद्धि करने वाले हैं और आपके जीवन में उत्साह बढ़ाकर मनोवांछित सफलता जीवन में आसानी से देने वाले हैं। जीवन के कई प्रकार की समस्याओं का सामना यदि आप कर रहे हैं वो आसानी से दूर हो सकती है, चाहे करियर से जुड़ी हुई हो, चाहे परिवार से जुड़ी हुई हो। इस समयावधि में मंगल आपको रोगों से निजात दे सकते हैं, यानी शारीरिक समस्याएं यदि आपके जीवन में कोई भी बनी हुई है उससे आपको मंगल आसानी से निजात दे सकते हैं। छठवें भाव पर प्रभावी मंगल की अवस्था और अष्टम दृष्टि आपके जो प्रथम भाव पर जा रही है, इसकी वजह से आपकी जो मेहनत है उसमें उत्साह रहेगा, आपकी मेहनत जीवन में व्यर्थ नहीं जाने वाली है। इस समय अंतराल में आप विरोधियों को धराशायी करने में सफल रहेंगे और कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में यदि आपका किसी प्रकार से जुड़ाव है उसमें आसानी से आप जीवन में
विजय भी अर्जित कर सकते हैं। उसके साथ साथ मंगल का ये जो गोचर है, दर्शकों, सिंह राशि वाले जातकों, आपके रिश्तों के जीवन में आपको हर प्रकार की समझ प्रदान करेगा और रिश्तों से जुड़ी हुई यदि आपको कोई परेशानी है आसानी से जीवन में दूर हो सकती है। और प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप हिस्सा ले रहे हैं, यदि आपका विद्यार्थी जीवन में जुड़ाव है, तो भी ये समय आपको बहुत ही शुभता आसानी से देने जा रहा है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन की अगर जानकारी दिया जाए, देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल महाराज हैं वो आपके पराक्रम भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं और ये आपके पंचम भाव यानी प्रेम, रोमांस और बच्चों का विचार जिस भाव से करते हैं उस भाव पर मंगल प्रभावी हो रहे हैं। पंचम भाव पर प्रभावी मंगल की अवस्था कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की सफलता आसानी से दे सकती है। मंगल का यह परिवर्तन आपके जीवन में आय के नए साधन बढ़ाने वाला है। अचानक से होने वाली आपके जीवन में उन्नति हो सकती है और अचानक आपके जीवन में पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है या रुका हुआ धन भी मिल सकता है। मंगल का यह गोचर आपके जीवन में, चूंकि पंचम भाव पर मंगल प्रभावी हैं, तो यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोनों के बीच में बात करने में असहमति हो सकती है, मतभेद हो सकता है और परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, तो प्रेम संबंधों के मामले में इस समय अंतराल में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इस गोचर काल की समयावधि में जोखिम पूर्वक यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं, ऐसा निवेश जिसमें जोखिम की प्रबल संभावना है, वहां पर आपको जरूर अलर्ट रहना है। मंगल का संबंध आपके व्यय भाव से बन रहा है और मंगल बहुत ही बलवान अवस्था में वर्तमान में चल रहे हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में मंगल व्यय करवाएंगे, लेकिन सावधानी आपको यह रखनी है कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपको व्यय करना है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप धन का व्यय करना चाहते हैं तो अपने आप को समझदारी पूर्वक ही चलने का प्रयास करें और समझदारी पूर्वक ही धन का व्यय करना चाहिए। इस समय अंतराल में आपको सेहत का भी विशेष ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि व्यस्त जीवन शैली की वजह से खुद को आराम आप नहीं दे पाएंगे और संतुलित भोजन या व्यायाम यदि आप नहीं करेंगे या दिनचर्या यदि आपकी अव्यवस्थित होगी तो आपको पेट में समस्या आसानी से मिल सकती है। पंचम भाव पेट का भाव कहा जाता है और पंचम भाव पर गर्म ग्रह मंगल प्रभावी रहेंगे, जो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा श्रेष्ठ नहीं माने जाते, तो पंचम भाव पर मंगल प्रभावी होंगे तो आपको गैस्ट्रिक समस्या, एसिडिटी, पेट में जलन आसानी से हो सकती है, इसलिए इस समयावधि में इससे आपको बचना चाहिए। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए और सभी मामलों में ये समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा और आपको शुभता भी आसानी से देने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए, मंगल जनित दोषों को दूर करने के लिए छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलना है। उसके साथ साथ मंगल जनित शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।